13 ईयर्स लग गए। तो इसमें मुझे सबसे मेन चीज़ हो गया ये भी कि फाइनेंशियली मैं साउंड नहीं था इस वक्त। तो फिर जब मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ाया, मैं एक बड़े कोचिंग सेंटर में भी पढ़ा, तो इसमें वहाँ पर जो मुझे मतलब पैसे मिलते थे इसका 40% जो इसी में यूज़ करते थे। और हर दिन सबसे मेन चीज़ें मैं इसमें पंक्चुअल रहा, मतलब एवरी डे मतलब 2 to 3 hours में इसमें निकालता था। तो फिर मतलब इसमें ऐसा हुआ, इसमें मैं कभी भी छुट्टी मतलब कोई मतलब संडे के दिन में मैं इसमें काम के लिए। मैंने सोचा अगर मैंने गाड़ी में सोलर पैनल्स लगाई, ये थोड़ा बहुत लग्जरियस टाइप लगनी चाहिए, ग्लोइंग डोर्स है, जब भी ऊपर जला जाता है तो ईगल टाइप लगता है, तो मैंने सोचा वो बनाऊँ। मगर वो बनाने के लिए मैंने ऐसा समझा ये कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये उठाना है फिर नीचे, तो इसके लिए मुझे 3.5 साल लगे। मैंने हीट एंड ट्रायल में बहुत सारे वो चेंज किए, जब मैंने मैथमेटिक्स कैलकुलेशन इसमें निकाला तो वहाँ पर मैंने देखा फार्मूलाज यूज़ किए, तो वहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर इतना प्रेशर लगेगा कि इसलिए वो विंडो नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। प्लेटफॉर्म है, उनके पास एक रिसोर्सेज है वहाँ पर, तो मेरे पास वो नहीं था, क्योंकि हम इस स्टेट में रहते हैं जो बैकवर्ड है अभी, मतलब एक हिसाब से, मतलब जो इसके इक्विपमेंट्स है, चाहे वो ऑटोमोबाइलिंग के इक्विपमेंट्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स के या वो वाले बाकी गैजेट्स है, वो लाना बाहर से फॉरेन कंट्री से, और वो भी मुझे बल्क से लाना होता था। मतलब अगर एक प्रोडक्ट मुझे लगता था, मुझे 10,000 प्रोडक्ट या 100 प्रोडक्ट मुझे लाना था, फिर तो उनको फिर वहाँ देखना, ये मेरे लिए एक चैलेंज था। तो इस मैं ये सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं, मुझे इतना टाइम भी नहीं लगता था, क्योंकि कश्मीर में ऐसी चीज़ करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वो भी जब आप कोई समथिंग डिफरेंट चीज़ देखोगे कि मुझे ये करना है, और आप कंपटीशन में, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत है, आगे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब अभी बहुत सारे कंपनियों का मतलब गाड़ियाँ रन हो रहे हैं, इसका आगे फ्यूचर भी है। ये देख के मैं अभी ये बोल रहा हूँ कि मैं अभी भी खुद मतलब सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं मतलब ये दिल मांगे मोर, मैं चाहता हूँ कि मैं और ज़्यादा अच्छा बनाऊँ, ये सच है।